हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। मैं सजानवी फेवरेट ब्लॉग में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जानवी के स्कूल में आई हूँ, कुछ डेकोरेशन हुआ है इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। मैम ने बुलाया था तो आ गए थे। ये जब वो थी ना, रावण बना हुआ देख सकते हो, और ये डेकोरेशन हुआ है दिवाली का, और पूरी फेस्टिवल की इसमें मतलब डेकोरेशन किया हुआ था। और ये देखो, दिवाली पे कैसी कैंडल को इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है टेबल पे और सजाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। और बहुत सारे जो है यहाँ पे रंगोली भी बनाई गई है। ये देखो रंगोली कितना प्यारा लग रहा है रंगोली, है ना, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जानवी खेल रही है और कूद रही है, ये भाग भाग के। यहाँ पे भी देखो हैप्पी दिवाली कितने अच्छे से लिखा हुआ है ना, और रंगोली के बीच में लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर भी डेकोरेशन किया हुआ है, और अच्छा लग रहा है। ये खेल रही थी और बस। हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। मैं आज जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। अभी मैं ना जानवी की स्कूल आई थी, तो कुछ रिजल्ट के बारे में तो मैं तो बाद में बताऊंगी, और मैं बुलाए थे तो आ गई थी जल्दी। अब मैं घर जा रही हूँ, कुछ काम वगैरह है, तो चलिए मैं अब घर जा रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा, कम से कम बच्चे की खुशी थी, और बुलाए थे तो आना तो था ही। अब मैं जा रही हूँ घर, देखो। और जानवी जो है वो अभी आगे आगे जा रही है कुछ, और बहुत बच्चों की अच्छी रिजल्ट आई है। कम से कम इतने सालों की मेहनत होती है, हर माता पिता की, अपना पेरेंट्स की खुशी होती है कि बच्चों अच्छे से पढ़े, और उसकी भविष्य की चीज़ है, लाइफ है, ज़िंदगी है ना, यही चीज़ है। और आज जो है, आज धनतेरस वाले दिन ही इसकी रिजल्ट की एक खुशी मिल गई थी, इससे अच्छा क्या बात है। अभी जो है उस, और यहाँ पे देख सकते हो बाबा के आगे कौन बैठा है, देखो घर से मंदिर में मैं आई हूँ। और लाला देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो पंडित ने इसको तिलक लगा रहे हैं, और वेद जो भी मंत्र है वो जाप कर रहे हैं, और इनको अच्छे तरीके से गंगा जल से वो छींटे दिए और तिलक लगाए। अब इनको लल्ला को बहुत प्यार से देख रहे हैं, बहुत मीठे है, बहुत अच्छा है। अब इनको यहाँ पे कलावे बांध रहे हैं, आपको जो है मंत्र सुनाई देता होगा कहीं, और पूरे मंदिर में सारे भगवान के चरणों में पास जाके गोद में बैठ करके लल्ला मेरा आया है। और आज के दिन में धनतेरस वाले दिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज की डेट में ये घर पे आएंगे प्रभु, और आज आए हैं। देखो बाकी सबसे तो मिल ही चुके हो, देख ही चुके हो आप लोग, पर इनको भी देख लो, आज के डेट में मैंने लेकर के आई हूँ, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ पे देखो इनकी जानवी की भी कलावे बांध रहे हैं, और बहुत इतनी कि उसके बाद यहाँ पे जो है घर आ गई। तो उसके बाद ये जोड़ा थोड़ा सा मार्केट में शॉप की पड़ा था कुछ, तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बिक रही है, लगी हुई है, और दिवाली के आइटम सब सारे बिक रहे हैं। और मैं कुछ सामान लेना था छोटा सा, तो लेने के लिए आ गई थी, और जान भी ऊपर बैठी हुई है, ये जब भी आती तो ऊपर बैठ जाती है, और काफ़ी सारे भीड़ था। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने दिवाली की जो चीज़ लिया है थोड़ा बहुत वो चीज़ दिखा रही हूँ। ये बेड शीट है, मैंने राधा के लिए लिया था, और कॉटन का है। तो देखो अब तो सर्दी आ गई है, ले लिया था, अच्छा लगा था। तो ये है दिवाली की में मैंने दोनों लिया, ये है एक और बेड शीट है, ये बहुत बढ़िया वाला है, और जो है अच्छा लग रहा था मुझे। और ये है जो थाल पोस जो नहीं आते हैं, तो मुझे अच्छा लगा था नेट में, तो मैंने ले लिया एक ये वाले फूल टाइप का है, अच्छा लग रहा था, 50 की कुछ दिया था ऐसी ही, और ये ले लिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक और था, ये टेबल मैट जो होता है ना बिछाने वाले, काफ़ी लड़ी बड़ी है, मैं खोल के कितना दिखाऊँ, नेट में है, अच्छा लग रहा था। और ये कुछ क्रीम और वाइट की सेट में था, ये इस तरीके की पैटर्न में था, वीडियो में जैसा दिख रहा हो ऐसा है नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी, शाइनिंग सा था। उसके बाद एक और था, ये वाले था, इसमें कुछ फूल टाइप की बनी हुई है, नेट में ये भी, और ये भी उस टाइप में ही है टेबल का ये,
उसके बाद ये है जो है कवर है उसका क्वेश्चन का, तो ये वाले है और ये उसके साथ वाइट के साथ थोड़ा मैच हो रहा था तो मैंने ले लिया था। बाकी तो कुछ जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता रहता है ना, तो ये वाले ही मैंने ले लिया था। और ये है जाह्नवी की कपड़े दिवाली की, और दिवाली पे मैंने यही लिया था क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ थी, तो ये वाले मैंने पहली बार लिया था। जैसे कि था बहुत सारी चीज़ लेकिन ये वाले मैंने इनकी दिलाई है, थोड़ा प्रेसिंग कर दूंगी। और ये ऊपर की कोट, जो कोट है ये वाले, और छोटे बच्चे की छोटे हो जाते, इसके सारे कपड़े रखा रखा सा तो पहनती नहीं है। मैं काफ़ी भी थक भी चुकी हूँ इस दिवाली के, सबकी यही हाल है। और उसके बाद एक और है मैंने लिया था जो ये छोटा, और ये वाले उसके साथ की चुनी थी, और एक और है जो टी शर्ट है और उसके साथ की एक निकर भी है। तो बहुत प्यारा कलर लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। उस कलर की रेड कलर इसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, जो ये है ना ब्लैक में है। और अच्छा मिष्टी के बहुत पसंद है जाह्नवी को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये वाले वो पहनती भी है खुश होकर के, बहुत बहुत अच्छे से पहनती है। इसकी कपड़ा जो है ना पर इतनी सॉफ्ट है मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये हो गया, और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ जो ये है दिवाली की, कुछ मैंने लिया था डेकोरेशन के लिए। तो ये और ये दो शुभला में मैंने निकाला था, वही दिखा रही हूँ। और जो है ये वाले जो है लिया था, ये मैंने बाहर से लिया था, ये वाले जो लक्ष्मी गणेश की है ना, ये वाले कुछ बाहर से लिया था, कुछ ये इस तरीके के लटकाने वाले हैं, अच्छे लग रहे थे। इसमें ये रेड था और बहुत सारे कलर था, पिंक था। ये इसमें जो है ना दिए जलाने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। 20 की दिया, 10-10 की एक दिया था तो मैंने दो ले लिया था, कम से कम दिया जलाने में काम आएंगे, है ना। अच्छे लग रहे हैं डेकोरेशन के लिए भी, अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने लिया था ये है जो माला, ये मैंने बाहर से लिया था, मेरे पास थे तो कम पड़ गया था, निकाला था और कम पड़ गया था मुझे। और ये मैंने लिया है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, क्योंकि और भी सारे थे लेना था लेकिन जाह्नवी बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने जो अच्छा लगा पास में, मतलब तो अंदर में नहीं गई, वही मैंने लेकर आ गई थी। बहुत भीड़ था, एक दुकान पे जाएगा, एक दुकान के लिए, एक घर के लिए। और ये मैंने लिया था दिवाली पे ही, मतलब ये अचार उचार के लिए, बहुत छोटा सा ही लिया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद एक और लिया था ये वाले, और अचार में कुछ भी डाल दो और अचार के लिए बहुत बेस्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है छोटी है, अच्छी लग रही थी। तो ये दो ले लिया था, और उसके बाद ये 10 के रेड वाले कलर दे रहा था। मेरे पास और दूसरी दूसरी कलर थी, रेड में नहीं था। और ये था कुछ चिपकाने वाले जो तितली मोर, तो ये दरवाजे पे चिपका सकते, ये राम दरबार है, कृष्ण भगवान है और शिव पार्वती जी है। और तो ये मैंने निकाला था, ये मैं अपने दुकान लगती उस पे से ही निकाला था ये वाले। और उसके बाद जो है मैंने और चीज़ दिखा रही हूँ, ये दो माला लिया था मैंने, हनु जैसे बाबा के लिए लिया था, और ये को लिया था मैंने राधा रानी के लिए, दोनों के लिए लिया था, अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने दो ले लिया था। और ये मैंने बोला था ना मुझे कम पड़ा, ये मैंने निकाला था अपने में से, तो ये छोटी छोटी माला था। उसके बाद ये हो गया, अब मैं दिखा रही हूँ बच्चे के सारे ड्रेस, जो बच्चे बच्चे की इसमें दिखा रही हूँ। ये है लाडो राधा के लिए था नीचे का, और ये है माता रानी के लिए, माई के लिए। और ये तो ड्रेस आप पहले देख चुके होंगे वीडियो में, ये मैंने पहनाया किसी का नहीं है तो इसी के मैचिंग करके सबको पहनाने वाली हूँ, रेड रेड सा, और थोड़ा उस कलर के मिल नहीं रहा था तो मैचिंग करके लाई थी। और ये है जो आसन है ये वाले बिछाने के लिए राधा की, और अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया था। और ये है धूप बत्ती, और ये है माई की माला, और ये है पगड़ी ड्रेसेस के साथ की। और भी ड्रेस है मेरे पास, तो
काफ़ी सारे रखा हुआ था, तो और रखा हुआ वो मैंने दिखाया ही नहीं है, इसी के शेड किया। और ये है जो अभी मेरे घर लाला आए हैं उनके लिए है, कार्ती के लिए। और ये है माता रानी की चुन्नी जो मैं अच्छे से डेकोरेशन करने वाली हूँ मायके सजा करके। और ये है उनकी पगड़ी, अच्छे से तैयार करूँगी इस बार मायके, सोच रही। ये है उनकी बांसुरी, मल्टी कलर में है, अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ये है ओ जरकन की हार है, और ये है मल्टी कलर में, अच्छा लग रहा था। और ये दो मैंने लिया है माई की, वो है कमरबंद, एक मल्टी में है एक जरकन में, अच्छा लग रहा था तो मैंने दोनों ले लिया। कभी भी मैचिंग करके किसी टाइप में पहना तो बहुत प्यारा लगेगा, है ना, अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ये मैंने उनके लिए है कार्तिक के लिए, जो लाला आया है उनके लिए मैंने लिया है नाइट सूट, और एक ही लिया है क्योंकि अब ठंड की मौसम आ रही है, सर्दी की आएगी, तो इसीलिए मैंने एक ही लिया। और पहने हुए हैं उन्होंने, और काफ़ी सारे कपड़े हैं उनकी। और ये राधा लाडो के मैंने कड़े लिया है हाथों की, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी सी लग रही है। अब पहनने के बाद इतनी खूबसूरत दुल्हन की तरह की बता नहीं सकती मैं। और भी सारे सामान में है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे रखा हुआ है, मेरी थकावट बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही है। अब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, फिर भी मैंने चलो जो है वो तो शेयर करना है, थोड़ा भी किया किया तो है ना, लेकिन और बहुत सारे इधर उधर रखा होगा तो काफ़ी चीज़ मैंने दिखा नहीं पाई हूँ आपको। और ये है लाडो की कान की, देख सकते हो फिसल रही, मेरे हाथ में वायल लगी हुई है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, इतनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। जब पहनेगी ना मेरी लाडो तो बहुत बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। देख रहा, 3-4 मंजिल होती है ना झुमकीलरी की, वो वाली है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये भी है, दोनों कान की है। और इसमें कान की मैंने काफ़ी सारे बनाई है, तो हर डिज़ाइन में डिज़ाइन यही एक मतलब थोड़ा कुछ डिफरेंट है। और ये है उनकी जो है चैन टाइप की, लॉन्ग चैन में है राधा लाडो की, ये प्यारी सी बहुत खूबसूरत लग रही है ये वाली। मेरा मन था तो मैंने जो जो भी अच्छा लगा वो मैंने इनके लिए बनाया। हाय गाइस, बैक टू माय चैनल, मैं सो जानवी फीमेल ब्लॉग में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग का टाइम है और आज छोटी दिवाली है, आप सबकी हैप्पी दिवाली, और हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और बहुत खुशी से आप दिवाली की तैयारियाँ कीजिए और अच्छे तरीके से मनाइए। और अभी जो है 7 बज रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, देख रहे होंगे है ना, और बहुत सारे आज के डेट में काम होते हैं, थक गई मैं तो। और इतनी तबीयत भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और कुछ समझ में नहीं आता, हाथों में भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, और जानवी भी उठ गई है। और ये देखो इसको क्या कर रही है, ये मैंने पेंट लिया था ये वाले, देख सकते हो मैंने कलर के लिए, दिए के लिए, फुल कलर के लिए, और ये अभी क्या कर रही है, ये इसी का काम है ना, करती रहती है। मैंने थोड़ा करना था रंगोली के लिए और दिया सब मैंने करूँगी, और थोड़ा छोड़ भी दूँगी बाकी के। ये मैंने थोड़ा सा कुछ प्लेन प्लेन सा किया था जो उसके लिए ये वाले, क्योंकि रंगोली बनाऊंगी ना उनके आगे जलाऊंगी, तो ये मैंने कर लिया था पेंट घर पे ही किया था, और दिखाया नहीं था क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, तो मैंने कर दिया, सूख भी गया है बहुत अच्छी तरीके से। और बस, और होगा तो मन होगा देखूंगी करूंगी, नहीं तो और भी जो है रंगोली के लिए मैंने डालने के लिए किया है, क्योंकि बाहर से बहुत महंगी पड़ रही थी, और अपने घर पे तो जैसे मर्जी कर लो, है ना। अभी बहुत सारे डिजाइन भी बनानी थी मुझे, बनाया नहीं है। मुझे ऐसे भी प्लेन भी अच्छे लगते, जैसे इस टाइप में है ना, देख सकते हो मैंने खुद किया है ये वाले। और ये देखो क्या कर रही है, खुद से कर रही है। तो बस सब कुछ हो गया है, मैंने जो भी लिया था वो सारी चीज़ दिखा दिया था, और फिर क्या बच्चों की ड्रेसेस वगैरह लाई थी वो भी दिखा दिया था। मेरी जो है न्यू है वही पहनूंगी, वो मैंने उतारा नहीं था क्योंकि जो रखा हुआ था टाइम लगता, इसलिए मैंने दिखाया ही नहीं था। और
घर भी पेंट करवा दिया था क्योंकि बाहर बहुत महंगे मिल रहे थे, तो इसीलिए जितना मैंने रंगोली का बनाऊंगी उसी पे रखने के लिए, और कम पड़ेगी तो मैं कर लूँगी, साथ साथ ही कर लूँगी। तो पहले से मैंने रख रखा था ये थोड़ा, क्योंकि महंगे बहुत दे रहे थे इसलिए मैंने पेंट कलर कर लिया था। और थोड़ा तबीयत अजीब सी ऐसी है, तो ऐसी लग रही है बहुत ज़्यादा, थकावट सी भी बहुत हो रही है। और फिर क्या है ना कि सारी चीज़ मैंने दिखा दी आप सबको, और आई होप कि वीडियो के मैं यहीं तक एंड करती हूँ, वीडियो की आप सबको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, बाय बाय, फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली।